आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन की रेसिपी, कढ़ी जवे। ये अपने आप में ही बड़ा स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ मैं कढ़ी मूंग की दाल की पकौड़ियों की बना रही हूँ, ना कि बेसन की पकौड़ियों की। और जवे एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आप भी ये रेसिपी ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले कढ़ी की रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन लिया, उसके ऊपर मैंने छन्नी को रख लिया है। सबसे पहले हम दही को छान लेंगे, जिससे कढ़ी में कोई लम्स ना रहे। दही को छानना कढ़ी के लिए आवश्यक होता है, ताकि कढ़ी हमारी एकदम स्मूथ सी बने। देखिए, इस प्रकार दही को हमें छान लेना है, और उतना ही हमें पानी मिलाना है, क्योंकि कढ़ी यहाँ पतली पतली छोंकी जाएगी। जितनी दही थी उतना ही एक लोटा भर के मैंने यहाँ पानी डाल दिया है। इसको मैंने बिल्कुल मट्ठे का रूप दे दिया है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे अपने मसाले और बेसन। यहाँ मैंने एक छोटी कटोरी बेसन लिया है, इसको भी हम छन्नी की सहायता से छान देंगे, ताकि इसमें गांठ ना पड़े। ऐड करेंगे हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच मिर्च पाउडर, आधी से ज्यादा धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला। अब इन सबको मिक्स कर देंगे। इस प्रकार अच्छे से हाथ की सहायता से हमें मिक्स करना है, बेसन को और दही को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, इसको मैंने बेसन को दही में अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ मैंने एक बड़ी कढ़ाई कढ़ी छौंकने के लिए रख दिया। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, एक बड़ी चम्मच भर के, क्योंकि कढ़ी सरसों के तेल में ही स्वादिष्ट बनती है। सबसे पहले हम डालेंगे आधी चम्मच, छोटी आधी चम्मच हींग पाउडर। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 6 से 7 करी पत्ते, कड़ी मेथी दाने में छौंकी जाती है, आधा चम्मच मेथी दाना। और यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, 1 से 2 छोटा तेज पत्ता, और 4 से 5 काली मिर्च, और 4 से 5 ही लौंग। मैं डालूंगी आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर। कढ़ी का जो बैटर तैयार किया था वो अब इसमें हम ऐड कर देंगे, और इसको थोड़ा सा धोकर भी ऐड कर देंगे, पानी डाल देंगे। अब इसको कढ़ी को हमें हाई फ्लेम पर जब तक हमारा बॉईल नहीं आ जाता इसको चलाना है। यदि हम कढ़ी को चलाएंगे नहीं तो कढ़ी हमारी फट जाएगी, जिससे इसका टेस्ट भी बदल जाएगा। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ कढ़ी में 6 से 7 जनों के लिए बना रही हूँ। अब कढ़ी में बॉईल आ गया है, इसे 1/2 से 1 घंटे के लिए अच्छे से पकने के लिए रख देंगे गैस पर, लो फ्लेम पर। अब कढ़ी के लिए दाल की पकौड़ी तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने ढाई सौ से 300 ग्राम मूंग की धुली हुई दाल ली है। इसको हम अच्छे से वॉश करके भिगो देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे हो गए दाल को भीगे हुए। दाल हमारी इस प्रकार फूल कर हो गई है। अब इसको हम ग्राइंडर में पीस लेते हैं। देखिए, दाल हमारी पीसकर इस प्रकार हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक ऐड करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा खाने का सोडा, छोटी 1/4 चम्मच खाने का सोडा, जिससे पकौड़ियाँ हमारी फ्लफी बने एकदम। इस प्रकार अच्छे से फेंट लेना इसको हमें। जब दाल हमारी सफेद सी होने लगे तो समझिए हमारी दाल फिट गई है अच्छे से। देखिए, दाल को भी मैंने
अच्छे से फेंट लिया है। इसको अभी हमें एक से दो मिनट तक और चलाना है, फिर हम अपनी पकौड़ियाँ तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई रखी है और इसमें अब हम तेल को ऐड करेंगे ताकि हमारी पकौड़ी बन जाए। कढ़ी की पकौड़ी तेल में ही क्रिस्पी बनती हैं। देखिए तेल को चेक करके देखते हैं, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम अपनी पकौड़ियाँ डालते हैं। इस प्रकार आप छोटी छोटी पकौड़ियाँ तेल में डालते जाइए, धीरे धीरे पकौड़ियाँ अपने आप गोल गोल बनती जाएंगी। जितनी पकौड़ी एक बार में आ सकती हैं उतनी पकौड़ी आप एक बार में तेल में डाल दीजिए। देखिए इस प्रकार अक्सर लोग बनाते हैं बेसन की पकौड़ियाँ। यहाँ मैं बना रही हूँ कढ़ी के साथ मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, जिससे कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इनको अलग पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन होने तक सेक लेंगे। यहाँ मैंने एक बड़े बर्तन में पानी लिया है जिसमें हम अपनी पकौड़ियों को भिगो देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच नमक। अब इन पकौड़ियों को हम उतार लेते हैं एक प्लेट में और पानी में डिप कर देंगे। पानी में पकौड़ी भिगोने का एक फायदा ये भी है, इनका एक्स्ट्रा ऑयल पानी में चला जाता है। देखिए यहाँ मैं कढ़ी के साथ जवे बना रही हूँ। अक्सर कढ़ी के साथ चावल देखने को मिलते हैं आपको, लेकिन यहाँ मैं कढ़ी का कॉम्बो जवे से करूँगी। जवे कढ़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ मैंने जवों को भून कर रखा हुआ है, इनको अब बस अब बॉइल पानी में हम डाल देंगे। जिस प्रकार हम चावल तैयार करते हैं उसी प्रकार ये जवे तैयार करेंगे हम। देखिए यहाँ मैंने जवों के लिए पानी रख दिया था, पानी में भी हमारा बॉइल आ गया है। अब इसमें हम अपने भुने हुए जवे ऐड कर देते हैं। जवे चावल से जल्दी तैयार हो जाते हैं, बस इसमें खदका आया और जवे हमारे गल जाएंगे। बस कढ़ी हमारी पक रही है, उसकी पकौड़ियां भी तैयार हो रही हैं और साथ ही हमारे जवे भी तैयार हो रहे हैं। देखिए जवे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, अब इसे हम छन्नी में छान लेते हैं। जवे हमारे बनकर तैयार हो गए, इसमें डालेंगे हम एक चम्मच घी। अब इसको इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए कढ़ी पक गई है, अब हम पकौड़ियों को हल्का हल्का निचोड़ कर कढ़ी में ऐड कर देंगे। मूंग की दाल की पकौड़ियाँ यदि हम कढ़ी में ऐड करते हैं तो ये घुलती नहीं है। बेसन की पकौड़ियाँ ज़्यादा कढ़ी को हम पकाते हैं तो घुल जाती हैं, इसीलिए अब इनमें अच्छे से हमें बॉईल लेना है ताकि पकौड़ियाँ और भी अच्छे से फूल जाएं। तो लीजिए दोस्तों, गर्म गर्म पकौड़े वाली कढ़ी बनकर तैयार है। आप भी ये कॉम्बिनेशन एक बार घर पर जरूर ट्राई करें और अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।